भारत सरकार हर साल बजट पेश करती है जिसमें साल भर में होने वाले खर्चों का लेखा जोखा होता है। उसके अलावा बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, बहुत से स्कीम लॉन्च की जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सरकार इन खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से लाती है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स, कहाँ से आता है भारत सरकार के पास पैसा और कहाँ खर्च करती है भारत सरकार इन पैसों को, सब कुछ रिवील होगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत सरकार बेसिकली तीन जगह से कमाती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और बोरोइंग। टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, जो कि हमारे देश में सिर्फ 1.7% लोग ही देते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। फिर आता है अदर टैक्सेस, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस, एजुकेशन सेस, सरचार्ज, गिफ्ट टैक्स, टोल टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, और लास्ट में आता है टैक्स ऑन लेकर, शराब पे टैक्स। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की, उसमें आता है इंटरेस्ट रिसिप्ट, सरप्लस प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी, कॉइनेज, रेलवे का प्रॉफिट अगर होता होगा तो, और पब्लिक इंटरप्राइजेस के प्रॉफिट, जो कि कुछ ही जगह से आता है। थर्ड ऑप्शन आता है बोरोइंग, मतलब आम भाषा में बोले तो लोन, कर्ज, जो कि सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल बैंक और दूसरे देशों से लेती है। भारत पे टोटल कितना कर्ज है इसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जरूर से देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हर टैक्स के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बनाते समय मुझे खुद कुछ टैक्स के बारे में पता चला है। तो प्लीज अधिक जानकारी के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं, और मैं यहाँ 100% श्योर हूँ कि मेरे से कोई ना कोई टैक्स छूट ही गया होगा, तो उसके लिए मुझे माफ करें। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सरकार हमें टैक्स के बहाने खूब लूटती है, तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि हमारे देश में सिर्फ 1.7% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, तो कुछ गलती हमारी भी है, और अगर लोग खुद ही ईमानदार हो जाएं, तो अपने आप ही बहुत से जगह से टैक्स रेट कम हो जाए और कुछ जगह से तो टैक्स खत्म भी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार अगर 1 रुपए कमाती है तो उसमें किस टैक्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 20 पैसा आता है बोरोइंग और लायबिलिटी से, 18 पैसा आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, 18 पैसा आता है GST से, 17 पैसा आता है इनकम टैक्स से, 10 पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 7 पैसा आता है एक्साइज ड्यूटी से, 6 पैसा आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, और 4 पैसा आता है कस्टम से। अब बात करते हैं कि सरकार अपने कमाए गए पैसों को कहाँ पे खर्च करती है। तो सरकार सैलरी पे करती है गवर्नमेंट स्टाफ की, एम्प्लॉयज की, आर्मी ऑफिसर्स की, साथ में वेरियस वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्च करती है, वेरियस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में पैसा खर्च करती है, रेलवे सर्विसेज में पैसा खर्च करती है, मेडिकल सर्विसेज में पैसा खर्च करती है, और जो सरकार लोन ली रहती है उसके इंटरेस्ट को पे करने में पैसा खर्च करती है, लोन को वापस रीपेमेंट करने में पैसा खर्च करती है, साथ में डिफेंस इक्विपमेंट पे पैसा खर्च करती है। प्रत्येक 1 रुपए में सरकार 20 पैसा राज्यों को टैक्स में भागीदारी के रूप में दे देती है, 18 पैसा लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो जाते हैं, 13 पैसा सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों पे पैसे खर्च हो जाते हैं, 10 पैसा फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स में खर्च हो जाते हैं, 9 पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में खर्च हो जाते हैं, 8 पैसा डिफेंस में खर्च हो जाता है, 6 पैसा सब्सिडीज पे खर्च हो जाता है, और 6 पैसा पेंशन को देने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा जो 10 पैसा बचता है सरकार उन्हें अन्य खर्चों में लेती है। अब मैं आपको पिछले 3 सालों के गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फिगर बताता हूँ। 2017 में सरकार का टोटल रेवेन्यू था $320 बिलियन और टोटल एक्सपेंडिचर था $370 बिलियन। 2018 में टोटल रेवेन्यू बढ़ के ये $350 बिलियन हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर $430 बिलियन। 2019 में टोटल रेवेन्यू फिर बढ़ा और ये बढ़ के $380 बिलियन हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ के $460 बिलियन। तो पिछले 3 साल के फिगर से एक बात तो समझ में आ रही है कि सरकार की कमाई बढ़ रही है और सरकार खर्च भी अच्छा खासा कर रही है। पर आप सोच रहे होंगे कि सरकार का रेवेन्यू कम है पर पैसा कैसे ज्यादा खर्च कर रही है, तो यहीं पे सरकार का थर्ड रेवेन्यू सोर्स बोरोइंग काम आता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार की कमाई कहां से होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से चेक करिएगा। तो मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।